हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स के बारे में। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, वेरिएबल्स यानी कि ऐसी कोई क्वांटिटी, ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो थोड़ी देर बाद चेंज होती है, तो उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने स्टेट वेरिएबल्स की डेफिनेशन आपके लिए लिखी है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो भी किसी सिस्टम की कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। और उसी प्रॉपर्टी को या उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम, उसे है हम स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम विच इज़ इन इक्विलिब्रियम, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने ज़रूरी है। तो ऐसी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम कहते हैं, और प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। सो स्टेट वेरिएबल्स आर नथिंग बट दीज आर दी सम काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं प्रॉपर्टी के, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए, प्रेशर होता है किसी सिस्टम का, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, डेंसिटी होगी, मास होगा, इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने आपके लिए इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स के बारे में हम बात कर रही है। तो हमने अभी देखा स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं उसे स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, ए इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स में डिवाइड किए जाते हैं। तो अब देखिए, इंटेंसिव किसे कहते हैं। इंटेंसिव वेरिएबल्स डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो साइज पर डिपेंड नहीं है, उसे हम इंटेंसिव कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे मेजर करने के लिए साइज़ की, सिस्टम की साइज़ की ज़रूरत, आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो साइज़ पे डिपेंड नहीं होते, वहीं पर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो साइज पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। तो साइज ऑफ द सिस्टम पर कौन कौन डिपेंड होता है, मास होता है और इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर जो एग्जांपल दिए है, मास और इंटरनल एनर्जी। तो इस तरह से ये हुई इंटेंसिव वेरिएबल्स एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए, हमने पहले भी बात की है, पहले की जो वीडियोज़ है, लेक्चर्स है हमारे, उसमें हमने थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की है। यहाँ पर हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ इस दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। देखिए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कम्प्लीटली अलग होता है थर्मल इक्विलिब्रियम से। इन दोनों में कन्फ्यूज बहुत सारे लोग हो जाते हैं, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम जो होता है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का एक पार्ट है। अब हम किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है ऐसा कब कहेंगे। हमारी कोई भी सिस्टम होगी, हमारे पास जितनी भी सिस्टम है, उसे हमें कहना है कि हमारी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो किसी भी सिस्टम को अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होना है, तो उस सिस्टम को सबसे पहले ये तीनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। कौन कौन सी कंडीशन है ये, पहली तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड वाली है केमिकल इक्विलिब्रियम, और थर्ड वाली तो आप जानते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ
इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। और ये कौन सी कंडीशन है? ये तीनों जो यहाँ पर दिखाई गई है, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम, ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी किसी सिस्टम की तरफ से, तभी हम कहेंगे कि वो सिस्टम थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम कैरी कर रही है। तो अब हमें ये देखना ज़रूरी है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। यहाँ पर मैंने लिखा है, ये सब कुछ नोट्स आपके लिए लिखी है, ये नोट्स पढ़ते ही आपको ध्यान में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है इसका मीनिंग। तो देखिए, जब भी कोई प्रेशर, जो भी प्रेशर हम अपने सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं, तो अपना हमारा जो प्रेशर है वो अगर सिस्टम के थ्रू आउट सेम हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ प्रेशर में, तो अब हम कहेंगे कि हमारी सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर देखिए, पहली वाली जो डेफिनेशन है इसके बारे में बात करेंगे। व्हेन देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस विद इन द सिस्टम, इसका मतलब सिस्टम के बारे में अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है, इसका मतलब है सिस्टम बैलेंस है। देखिएगा, व्हेन देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम के अंदर भी ऐसे कोई अनबैलेंस्ड फोर्सेस अवेलेबल नहीं है और सिस्टम और सराउंडिंग में भी ऐसे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तब हम कहेंगे कि हमारे सिस्टम क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, इसका मतलब प्रेशर जो है सिस्टम के ऊपर, जितना भी प्रेशर अप्लाई हुआ है वो प्रेशर क्या है, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए थ्रू आउट द सिस्टम। ओके, तो ए इसका मीनिंग है। जब ए, ये जो यहाँ पर दी हुई ये जो पॉइंट है, ये जब सेटिस्फाई होगा तभी क्या होगी, हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्विलिब्रियम के बारे में। अब यहाँ पर देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम है। जिस तरह से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर, प्रेशर ऑफ द सिस्टम क्या था, कांस्टेंट था, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम डज नॉट चेंज विथ टाइम, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम तभी सेटिस्फाई होगा जब केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, यानी कि सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारी सिस्टम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। और सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर आर नो केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम। तो इस तरह से एक केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट रहेगा। तो जब हमारी सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, तब हम कहेंगे कि हमारी सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। ये तो आपने देखा ही है, थर्मल इक्विलिब्रियम पहले ही हमने पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बात की है, फिर एक बार देख लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, थर्म का मतलब तो आपको पता है, थर्म यानी कि हीट, हीट। ओके, तो यहाँ पर जो है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है हीट जो है यहाँ पर क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे कि जिस तरह से मैकेनिकल में प्रेशर कांस्टेंट था, केमिकल में केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट था, उसी तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट जो है कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर हीट कांस्टेंट हुई तभी हम कहेंगे कि ए थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, एक कौन सी कंडीशन है, ए थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज यूनिफॉर्म, हीट या फिर टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए थ्रू आउट द सिस्टम एंड डज नॉट चेंज विथ टाइम, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, तभी हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। और थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या ट्रांसफर नहीं होगा, हीट क्या होगी, ट्रांसफर नहीं होगी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग में। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग में हीट क्या है, ट्रांसफर नहीं होती थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में। तो ये सब बातें थी आज की इस वीडियो में, बस इतना ही था। आज के इस वीडियो में हमने देखा है
किस तरह से हमारी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कैरी करती है और स्टेट वेरिएबल्स के बारे में हमने बात की है। अगले वीडियो में और कुछ देखेंगे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में से, अगले कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।